हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ममता राठी। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर ममताज एजुकेशनल प्लेक्स। फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ पीबीएम, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। दिस इज अवर सिक्स्थ एंड लास्ट सीरीज ऑफ पीबीएम। इसके पहले मैंने 5 सीरीज बनाई है पीबीएम की, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप उन सारी सीरीज को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक कॉपी कर उन लिंक पर जाकर उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट अस प्रोसीड विद द सिक्स्थ एंड लास्ट सीरीज ऑफ पीबीएम, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। So here is our question. The last function of management is planning, organizing, controlling, staffing. Management का last function कौन सा है? तो management का last function होता है controlling का. Option C is the correct answer. Next, which function is basis of control? Planning, organizing, controlling, cooperating. अब basis of control का कौन सा function है जिसकी वजह से हमें कंट्रोल करना पड़ता है, या फिर कंट्रोल करने के लिए कौन से बेसिस पर हम कंट्रोल करते हैं? तो हमारी जो प्लानिंग स्टेज होती है, उस प्लानिंग स्टेज में ऑलरेडी हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए होते हैं, तो वो एक बेसिस होता है हमारी कंट्रोलिंग के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द कंट्रोल टेक्स प्लेस बिफोर द एक्चुअल एक्टिविटी इज नोन एज कॉन्करेंट कंट्रोल, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, फीडबैक कंट्रोल, प्रिजर्विंग कंट्रोल। कोई भी एक एक्चुअल एक्टिविटी जो प्लेस हो रही है, उसके पहले ही अगर हम कंट्रोलिंग कर दें तो उसे हम कहते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल एक्सरसाइज्ड व्हाइल द एक्टिविटी इज इन प्रोग्रेस इज कॉन्करेंट कंट्रोल, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, फीडबैक कंट्रोल, प्रिजर्विंग कंट्रोल। जब एक्टिविटी इन प्रोग्रेस होती है, उस समय पर अगर हम कंट्रोल को एक्सरसाइज करेंगे तो वो होता है कॉन्करेंट कंट्रोल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंट्रोल इम्पोज्ड आफ्टर एन एक्शन हैज ऑकर्ड इज कॉन्करेंट कंट्रोल, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, फीडबैक कंट्रोल, प्रिजर्विंग कंट्रोल। अब अगर कोई भी एक्टिविटी जो कंप्लीट हो गई है और उसके बाद अगर हम कंट्रोल को इम्पोज करते हैं तो वो होता है फीडबैक कंट्रोल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज कॉमनली नोन एज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ग्रेपवाइन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम अक्सर ग्रेपवाइन के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स चेन ऑफ कमांड, द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग, लीडरशिप क्वालिटी, द नंबर ऑफ पीपल मैनेज्ड। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है हमने कितने पीपल, नंबर ऑफ पीपल को मैनेज किया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डैश डैश इज ए फोर्स टू ड्राइव अ पर्सन टू एक्शन। तो मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, कंट्रोल। सो मोटिवेशन ये फैक्टर है जिसमें हम फोर्स करते हैं एक पर्सन को काम करने के लिए, और एक पर्सन में विलिंगनेस लाते हैं काम की। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज डिवाइज्ड बाय F.W. टेलर वॉज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। F.W. टेलर ने इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइस किया था? तो वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने डिवाइस किया था, इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नीड हायरार्की थ्योरी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय मैस्लो। नीड हायरार्की थ्योरी जो फॉर्मुलेट की गई थी वो थी मैस्लो की थ्योरी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ वर्क मोटिवेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय मैकग्रेगर, हर्जबर्ग, मैस्लो, F.W. टेलर। जो वर्क मोटिवेशन की थ्योरी थी वो प्रोपाउंड की गई थी हर्जबर्ग ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एस्टीम नीड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सोशल नीड्स, सेल्फ रियलाइजेशन नीड्स, ईगो नीड्स, सेफ्टी नीड्स। एस्टीम नीड्स किस चीज़ से या फिर किस नाम से जानी जाती है? तो एस्टीम नीड्स हमें ईगो नीड्स के नाम से भी जानी जाती है।
सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द मैनेजमेंट फंक्शन विच रेगुलेट्स द एक्टिविटीज इज कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, डायरेक्शन, प्लानिंग. मैनेजमेंट फंक्शन वो कौन सा है जिसमें हम रेगुलेट करते हैं हमारी एक्टिविटीज़ को, तो वो होती है कंट्रोलिंग. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इज अदरवाइज कॉल्ड एज बजटिंग टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल्स, ब्रेक इवन एनालिसिस, कॉस्ट कंट्रोल्स. कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जो है उसका दूसरा नाम है ब्रेक इवन एनालिसिस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट्स फ्यूचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज प्रॉफिट एंड लॉस, बजट, बैलेंस शीट, कैश अकाउंट. तो फ्यूचर में होने वाले जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को दिखाने वाला या रिफ्लेक्ट करने वाला जो स्टेटमेंट होता है उसे हम बजट कहते हैं. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिफिकेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट इज एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, फिनेंशियल ऑडिट. फिनेंशियल स्टेटमेंट का जो वेरिफिकेशन किया जाता है उसे हम इंटरनल ऑडिट कहते हैं. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म पॉलिसी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, इंग्लिश. पॉलिसी वर्ड जो है वो किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया था, तो वो डिराइव किया गया है लैटिन लैंग्वेज से. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉलिसी विच इज इन्फर्ड फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द सुपीरियर इज स्पेसिफिक पॉलिसी, एक्सटर्नल पॉलिसी, अपील्ड पॉलिसी, इम्प्लिसिट पॉलिसी. अब जो पॉलिसी है जो इन्फर्ड की जाती है हमारी सुपीरियर की बिहेवियर पर उसे हम क्या कहते हैं, तो वो होती है इम्प्लिसिट पॉलिसी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी रिलेटिंग टू द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन इज प्लानिंग, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन मेकिंग. अब वो प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी जो रिलेटेड होती है हमारी यूटिलाइजेशन पर, हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनके इफेक्टिव यूटिलाइजेशन पर, और वो जो यूटिलाइजेशन हो रहा है वो फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, तो वो प्रोसेस होती है मैनेजमेंट की. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड विद ऑर्गेनाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, मैनेजमेंट, प्लानिंग. अब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनका अचीवमेंट जो है वो किस चीज़ से कंसर्न होता है, तो वो कंसर्न होता है मैनेजमेंट से. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग. किसी भी मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन होता है प्लानिंग करना. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, कंज्यूमर्स आर सेटिस्फाइड थ्रू मोटिवेशन, इनोवेशन, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट. कंज्यूमर्स जो है वो इनोवेशन के साथ सेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स हमेशा नए के लिए सर्च करते रहते हैं, न्यू थिंग्स के लिए वो अवेयर होते हैं. सो ऑप्शन बी इनोवेशन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, मेन मनी, मटेरियल एंड मशीन्स आर इंक्लूडेड इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्सेस, बजट प्रिपरेशन, कॉस्ट एनालिसिस. अब मेन मनी, मटेरियल एंड मशीन जो 4 M's है वो किस चीज़ में इंक्लूडेड होते हैं, तो वो इंक्लूडेड होते हैं हमारी रिसोर्सेस में. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन कॉम्पिटिशन, प्लानिंग, डिविजन ऑफ वर्क, ऑर्गेनाइजिंग. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी किस चीज़ पर डिपेंड होती है, तो वो डिपेंड्स होती है अपनी प्लानिंग पर. जिस तरह से हमारी प्लानिंग होगी उसी तरह से हमारी डेवलपमेंट होगी. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग ब्रिंग्स कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, कंट्रोलिंग, रिसोर्सेस. प्लानिंग से क्या ईजी हो जाता है, तो प्लानिंग से हम कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बहुत अच्छी तरह से कर देते हैं, और प्लानिंग ब्रिंग करता है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन को. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज F.W. Taylor. ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि F.W. Taylor को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने मैनेजमेंट यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के कंसेप्ट को लाया था. सो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज F.W. Taylor. नेक्स्ट,
MBO was introduced by Peter Drucker. Same questions हमने कई बार देखा है जिसमें हमें MBO और Peter Drucker दोनों को एक साथ हमने पढ़ा है. कई सारे questions में पूछा गया था, ये questions बस घुमा के पूछ रहे हैं. So Peter Drucker has introduced the concept of MBO. Option A is the correct answer. Next, according to Follett, conflict may be removed through three ways: domination, compromise and integration. Control, compromise and integration. Direction, domination and integration. Direction, domination and integration. अब Follett के हिसाब से conflict जब आता है तो वो remove किया जा सकता है three ways से. तो वो three ways कौन से हैं? तो किसी भी conflict को अगर remove करना है तो उसके लिए domination चाहिए, compromise चाहिए और integration चाहिए according to Follett. So option A is the correct answer. Next question. The decisions which are frequent and repetitive in nature are called as non-programmed decision, programmed decision, major decisions, operative decisions. तो non-programmed decisions जो होते हैं उसमें generally जो decided नहीं होता है कि इस चीज़ पर हमें decision लेना है तो उसे हम non-programmed decision कहते हैं. Major decisions जो होते हैं वो top level management लेती है. Operative decisions जो होते हैं वो operations में आने वाले decisions होते हैं. लेकिन programmed decisions जो होते हैं वो frequently और repetitively हमें लेने पड़ते हैं. So option B is the correct answer. Next, a decision which relates to day-to-day operation of organization is known as ऑपरेटिव डिसीजंस. अभी अभी हम लोगों ने देखा कि जो हर रोज़ ऑपरेटिव डिसीजंस जो होते हैं वो ऑपरेशंस के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए लिए जाते हैं. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. प्लान्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट, बॉटम लेवल मैनेजमेंट. अब प्लानिंग और पॉलिसीज़ के जो फंक्शंस होते हैं, प्रोसीजर जहाँ पर डिपिक्ट होती हैं, वो काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, डैश प्लान्स आर मेड टू अचीव द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. टैक्टिकल प्लान्स, स्ट्रेटेजिक प्लान्स, ऑपरेशनल प्लान्स, सिंगल यूज प्लान्स. अब वो कौन से प्लान होते हैं जिनमें हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ओवरऑल अचीव करने के लिए यूज करते हैं? तो वो होते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान्स. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस, टीम, ग्रुप एफर्ट. अब जो रिलेशनशिप होती है और स्ट्रक्चर ऑफ जो रिलेशनशिप हमें देखने मिलता है वो होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, पासिंग ऑफ अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस टू द लोवेस्ट पॉसिबल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की इज नोन एज अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी. अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल जो हायरार्की होती है उसमें अगर अथॉरिटी को हम पास करते हैं हमारी डिसीजंस लेने के लिए और लोएस्ट पॉसिबल लेवल तक जहाँ पर उसे लाते हैं तो उसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द एक्सटेंट टू व्हिच पावर्स एंड अथॉरिटीज आर रिटेन्ड एट द टॉप इज कॉल्ड एज सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी. अब जो पावर और अथॉरिटी होती है वो अगर हम टॉप लेवल पर ही रिटेन कर दें तो उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इन द हैंड्स ऑफ पीपल इन द अपर एक्लॉन्स ऑफ द हायरार्की इज कॉल्ड बेनिवोलेंट, कंसल्टेटिव, पार्टिसिपेटिव, एक्सप्लॉयटेटिव. अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अगर अपर लेवल पर अगर हम और अपर लेवल की पीपल के हैंड्स में अगर हम रख दें और एक्लॉन्स की हायरार्की को अगर यूज करें तो उसे हम क्या कहते हैं? तो वो होती है एक्सप्लॉयटेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज अ क्रिएटिव एंड डैश प्रोसेस, कंटिन्यूस, टेक्निकल, डेमोक्रेटिक, नन ऑफ द अबव. मैनेजमेंट जो प्रोसेस है वो हमारी क्रिएटिव प्रोसेस तो है ही, साथ ही साथ कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलती जाती है अप टू द लाइफ ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द ओल्ड कंट्रोल टेक्निक्स विच वेयर यूज थ्रू ईयर्स आर यूनिटी ऑफ पॉलिसीज, ब्रेक इवन एनालिसिस, बजेटरी कंट्रोल, ऑल ऑफ द अबव.
अब जो हमारी ओल्डेस्ट कंट्रोलिंग टेक्निक्स है जो हम सालों से यूज़ करते आ रहे हैं वो है यूनिटी ऑफ पॉलिसीज, ब्रेक इवन एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, ये सारी पॉलिसीज हम यूज़ करते आ रहे हैं, ये सारे टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं सालों से. सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज डू प्रोफेशनल मैनेजर्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस इन चॉकिंग आउट? मल्टीडिसिप्लिनरी, कॉरपोरेट, मैनेजरियल, ऑल ऑफ द अबव. अब वो कौन सी टाइप की स्ट्रेटजीज होती हैं जिसमें प्रोफेशनल मैनेजर्स को हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की चॉकिंग आउट में? तो वो होती है कॉरपोरेट स्ट्रेटजीज. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, मैनेजमेंट एग्जिस्ट्स एट डैश लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लोअर, मिडल, टॉप, ऑल ऑफ द अबव. अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट होता है वो एग्जिस्ट करता है सभी लेवल पर, यानी कि टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल, सभी तरफ हमें मैनेजमेंट देखने मिलती है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोल इज एक्सटर्नल फैक्टर्स, फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरिएशन एंड इट्स कॉजेस, ऑल ऑफ द अबव. अब जो कंट्रोलिंग के लिमिटेशंस होते हैं वो लिमिटेशंस होते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, ड्यू टू फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वेरिएशन जो कॉजेस में आते हैं उसकी वजह से. सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज सेड टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, आर्ट, साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस, आर्ट, कॉमर्स एंड इंजीनियरिंग. अब मैनेजमेंट किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? तो मैनेजमेंट कॉम्बिनेशन होता है आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन का. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, डैश डैश इज सपोज्ड टू बी इम्यूटेबल, अनचेंजिंग एंड एटर्नल, पॉलिसी, विजन, मिशन, ऑल ऑफ द अबव. अब इनमें से वो कौन सा है जिसे अनचेंजेबल, एटर्नल और इम्यूटेबल ट्रीट किया जाता है या सपोज किया जाता है? तो वो होती है हमारी पॉलिसी, क्योंकि जनरली हमारी पॉलिसी जो डिज़ाइन करते हैं हम वो अनचेंजेबल होती है. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द समरी ऑफ इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स इन रिटेलिंग आर मार्केट कॉन्सेंट्रेशन, ग्लोबल प्लेयर्स वर्सेस लोकल प्लेयर्स, नॉन स्टोर रिटेलिंग, ऑल ऑफ द अबव. अब जो हमारे इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स है रिटेलिंग के, उनकी समरी को हम क्या कहते हैं? तो उनकी समरी को हम मार्केट कॉन्सेंट्रेशन, ग्लोबल प्लेयर्स वर्सेस लोकल प्लेयर्स, नॉन स्टोर रिटेलिंग सबके नाम से जानते हैं. तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर्टिकुलेट्स द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ एन एंटरप्राइज? पॉलिसीज, विजन स्टेटमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म गोल्स हमें कहाँ देखने मिलते हैं? तो वो होते हैं हमारी विजन स्टेटमेंट में. विजन स्टेटमेंट में आर्टिकुलेट होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द इंटरनल एनवायरनमेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट इज लेबर, मशीन, प्लेस, ऑल ऑफ द अबव. अब हमारी मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करने वाले इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से हैं? तो वो लेबर, मशीन एंड प्लेस सारे हमारे इंटरनल ही फैक्टर्स हैं. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस डैश अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, साइडवेज, एनी ऑफ द अबव. अब जैसे कि नेम डिपिक्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल जो होता है वो इन लाइन होता है, यानी कि साइडवेज होता है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, डैश डैश इज अ टूल फॉर कॉरपोरेट गवर्नेंस, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, कम्युनिकेशन, कंसल्टिंग. कॉरपोरेट गवर्नेंस का कम्युनिकेशन जो है वो एक बेस्ट टूल है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटेलिंग कैटेगरीज बेस्ड ऑन ओनरशिप अरेंजमेंट वुड बी सुपरमार्केट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ऑल ऑफ द अबव. अब जो ओनरशिप के अरेंजमेंट पर रिटेलिंग कैटेगरीज बेस्ड होती है उसे हम कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टोर्स. तो ये सारे की सारे जो है वो ओनरशिप अरेंजमेंट को ही, अरेंजमेंट पर ही बेस्ड है रिटेलिंग कैटेगरी में. सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, डायरेक्शन इज एफ डैश फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजरियल, ऑर्गेनाइजेशनल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव.
अब डायरेक्शन जो है वो एक मैनेजरियल फंक्शन है जो परफॉर्म किया जाता है सभी मैनेजर्स के साथ और सभी लेवल्स पर ऑर्गेनाइजेशन में. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर्स मैकेनिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इंक्लूड्स साइंटिफिक टास्क सेटिंग, प्लानिंग द टास्क, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ऑल ऑफ द अबाउ. अब जो F.W. टेलर का मैकेनिज्म था साइंटिफिक मैनेजमेंट को लेकर, उसमें उन्होंने इंक्लूड किया था साइंटिफिक टास्क सेटिंग को, उसी के साथ साथ टास्क की प्लानिंग को, और स्टैंडर्डाइज किया था टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को. सो ऑल ऑफ द अबाउ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द डिफरेंट एज ऑफ सर्विस सेक्टर आर एक्सेप्टेबिलिटी, अवेयरनेस, एडेप्टेबिलिटी. एक्सेप्टेबिलिटी, अवेयरनेस, अवेलेबिलिटी. एडेप्टेबिलिटी, अवेयरनेस, अवेलेबिलिटी. एक्सेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, अवेलेबिलिटी. तो जो डिफरेंट एज होते हैं हमारी सर्विस सेक्टर के, उसमें हमें एक्सेप्टेबिलिटी देखने मिलता है, अवेयरनेस भी देखने मिलता है, और अवेलेबिलिटी भी आती है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सो फ्रेंड्स, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अवर सिक्स्थ एंड लास्ट सीरीज ऑफ अवर PBM, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट. इसी सब्जेक्ट को बिजनेस मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है. ये सब्जेक्ट अक्सर MCOM, BCOM, BBA एंड MBA लेवल पर सभी स्टूडेंट्स को पढ़ने मिलता है, और सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वाली सीरीज जो है वो बेनिफिशियल साबित होगी. इन सिक्स सीरीज में हमने 250 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस को स्टडी कर लिया है. इन सारी सीरीज की लिंक जो है वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई लिंक पर जाकर आप उन सारी वीडियोस को, उन सारी सीरीज़ को स्टडी कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, हम फिर से मिलेंगे हमारी एक नई सब्जेक्ट्स के साथ, नई सब्जेक्ट के MCQ सीरीज़ के साथ. तब तक के लिए इन सारी सीरीज़ को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और आपके कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते रहिए. आपको मेरी वीडियोस कैसे लगते हैं, मेरी वीडियोस में आप क्या स्टडी करना चाहते हैं, कौन सी वीडियो को आप देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. सो फ्रेंड्स, लेट अस मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो सीरीज. टिल देन, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग. थैंक यू.